Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi Grammar Classes. Topic 23, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? आंसर, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, गोद, चिन्ह, एक संख्या, कर, हाथ, टैक्स, सूंड, किरण, घन, बादल, हथौड़ा, भारी, घना, द्विज, पक्षी, दांत, चंद्रमा, ब्राह्मण, पक्ष, पंख, दो सप्ताह, तरफ, पतंग, सूर्य, कीट, कागज की पतंग, पत्र, पत्ता, चिट्टी, पन्ना, पूर्व, पहले, पूर्व दिशा, भाग, भागना, हिस्सा, रस, सार, आनंद, फलों का निचोड़। टॉपिक 24, काल, टेंस। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना चुकी थी। सोहन और रवि मैदान में खेलने गए थे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। भविष्यकाल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के समय में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद कल बारिश होगी, पिताजी कल जयपुर जाएंगे।